अभी मैं मौजूद हूँ यह है जनपद जौनपुर के या मड़ियाहो तहसील है, मेरे बीच में मौजूद है गुरुजी। गुरुजी हमेशा गरीब असहाय लोगों की बात उठाते रहते हैं, जो गरीब रहता है उससे पैसा भी नहीं लेते हैं और उसकी पूरी मदद करते हैं। सबसे पहले गुरुजी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। हाँ भैया। गुरुजी अभी अपने जनपद में बहुत बड़ी एक घटना हुई अनुराग यादव की, उन आरोपियों के ऊपर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आप अधिवक्ता हैं, काफ़ी वर्षों से आपको जानकारी है इस लाइन में। अनुराग यादव के साथ वह ताइक्वांडो खिलाड़ी था जी, और मेधावी लड़का था, उसका भविष्य बहुत अच्छा था जी। जो हत्यारों द्वारा, कातिलों द्वारा हत्या किया गया जी, वह जघन्य अपराध की श्रेणी में जी, उसको तो आजीवन कारावास नहीं, अगर मृत्युदंड की सजा दी जाए फांसी की जी, तो कमय है। और उसके साथ जो आल आप सदन एकाएक यह अपराधी सुनियोजित साजिश करके और तलवार लेकर उसको उसके परिवार के चाचा रामजस यादव रोकेट जो सिविल कोर्ट के हैं लक्ष्य बना के मार, उनको मारने के लिए किसी तरह से वो बच गए और उस बच्चे को जो है उगता सूरज को उसने अस्त किया है। ऐसे आदमी को फांसी से कम सजा की हमारी नसीहत कम है। गुरुजी घर वालों का मांग है कि बाबा का बुलडोजर चलना चाहिए, आप अधिवक्ता हैं, क्या आपके कानून दायरे में बुलडोजर चल रहा है कि रोक लग गया है? ऐसा है कि अभी तो सर्वोच्च न्यायालय ने जो है बुलडोजर पे रोक लगाया है और उसने विधिक तौर पर कहा है कि किसी के घर पे अगर कोई कार्रवाई होती है तो इमीडिएट तुरंत जो है कार्रवाई इस तरह से नहीं करके विधिक कार्रवाई पूरा करना चाहिए। जैसे उसको सूचना आप दीजिए कि आपने यह कृत्य किया है, उसको नोटिस दीजिए, नोटिस देने के बाद अगर उसका जो है अपराध की श्रेणी में आता है और उतना बुलडोजर लगा के उसका मकान गिराने के लिए पर्याप्त है तो उसका मकान लगा के गिरा देना ही ठीक है, ऐसे आदमी को कुछ भी बताने का अधिकार नहीं। क्योंकि गुरुजी जब सदर SDM पवन सिंह वहाँ गए थे तो वहाँ का जो प्रधान है SDM के साथ भी बदतमीजी कर रहा था, दबाव बना रहा था कि केवल आरोपी का घर गिरना चाहिए, तो SDM साहब ने कहा कि जितना बंजर है सारी पैमाइश होगी उसके बाद आरोपी का घर गिरेगा। लेकिन क्या प्रधान को SDM के साथ बदतमीजी करना चाहिए था कि नहीं? प्रशासन प्रशासन होता है बाबू, प्रशासन जो है अपना काम कहेगा, उसको जो कानून के दायरे में है उसको करस्पॉन्डेंट करने के लिए प्रधान नहीं कोई नहीं रोक सकता जी। प्रधान चूँकि इलिटरेट व्यक्ति होंगे, प्रधान मीन्स जनबे करते हैं आप जी, हाँ वह गांव के सबसे थर्ड क्लास की मानी जाती है जी। और उन्होंने जो इस तरह से जो है का नाम है अगर उप जिलाधिकारी साहब पवन जी के साथ किया, यह बहुत गलत है। अधिकारियों को इस तरह से अनमैनर्ड अनकल्चर्ड बात करना यह जो है व्यवहारिक प्रवृत्ति की और संस्कार की परिभाषा में नहीं है, वह गलत है। और अधिकारी जब कोई कांड होता है तो मतलब दहशत के लिए लोगों में अपराध न पहले उसको दबाने के लिए इसी तरह से रिलीवेंट कार्रवाई करते हैं, इसमें अधिकारियों की कार्रवाई जो किया जाता है वो सही है, इसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन जो सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन है, जो व्यवस्था है, उसके अनुसार विधिक औपचारिकता पूर्ण करके अगर ग्राम समाज में हो या इस तरह से बंजर में, अगर बंजर में हो तो बंजर में राइट आप टाइटल है, लेकिन नोटिस दीजिए, नोटिस दे के उसका पक्ष जान लीजिए, उसके बाद आप बेदखल करके आप उसको जो है बुलडोजर लगवा सकते। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, जब यादव की हत्या होती है, अभी मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ था, बड़ी आवाज़ उठाए थे। अभी प्रयागराज के हड़िया में उतराव थाना क्षेत्र के आरा कला गांव में दो ब्राह्मणों की हत्या हो गई, यादवों ने हत्या कर दिया, उस पर आवाज़ अखिलेश यादव क्यों नहीं उठाए? अखिलेश यादव ऐसा है कि राजनीतिक व्यक्ति हैं, वह अपना बैलेंस देख के काम करते हैं जी। उनका बैलेंस जिस तरफ ज़्यादा रहता है, जिस तरह से उनको जात बिरादरी नहीं देखना, बैलेंस जी। बैलेंस ऑफ पॉलिटिक एंड बैलेंस ऑफ वोट जी, उनको देखना है, उनको जात बिरादर नहीं देखना है, बैलेंस ऑफ वोट और बैलेंस ऑफ राजनीति पॉलिटिक उनको देखना है। तो बैलेंस ऑफ राजनीति अपना जो है इसी समय देखते हैं, और बकिया जात के लिए वो संज्ञा शून्य है, उनको देखने कोई आवश्यकता नहीं है, ना वो देखे हैं ना देखेंगे जी, ना उनके पूर्वज देखे हैं ना वह देखेंगे, ना कोई देखेगा जी, देखे नहीं जी। राजनीति में लोहियावादी विचारधारा के माननीय मुलायम सिंह, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी थे, उनके अंदर कलाकृति थी, ज्ञान था, लेकिन
उनका चाप अखिलेश जी पे पड़ा नहीं। अखिलेश जी उनको बहुत सजेस्ट करते रहे, लेकिन अपने वह सीनियर का बात स्वीकार नहीं किए, माने नहीं। अगर उनके गाइडलाइन और संस्कार में रिलीवेंट अगर उनका ब्लड होता ब्लेड, तो वह जरूर जो है इस तरह से किसी का कांड हो, चाहे ब्राह्मण मरे चाहे यादव मरे, एक सिंगल जात व्यक्ति विशेष का जो है आलोचना नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण परिवार जिसके यहाँ प्रयागराज में हत्या हुई, यादवों ने मनबड़ यादवों ने उनकी हत्या कर दी, चाचा भतीजे के आप भी अखबार में सुने होंगे, उन वहाँ के एक विधायक है ब्रिजमा यादव, आरोपियों को हमेशा साथ दे रही है, क्या आपको लगता है विधायक जी को ऐसा करना चाहिए? ब्रिजमा यादव जो है का नाम है, वह विधायक बनी हुई है, विधायक बनी है इसलिए कि वह थोड़ा सा अपना जो है सत्ता बिरादरी के नाते बन गई है। वह एक जातीय बात नहीं बोलेंगी तो उनका कैसे बैलेंस होगा राजनीति, इसलिए अपनी राजनीति बैलेंस करने के लिए ब्रिजमा यादव बोल रही हैं। इस तरह से ब्रिजमा यादव को संवैधानिक बातों को देखते हुए, सामाजिक हित को देखते हुए, जो बैलेंस आप अनुलात्मक हो उसी तरह से करना चाहिए, बाकी नहीं करना चाहिए। तो ऐसे ही गुरुजी चलता रहेगा तो लोग अपने जात की पार्टी बना लेंगे, तो कैसे विकास होगा? इतना जात की पार्टी बनाए, जनता जागरूक हो चुकी है जी, और वह जो है का नाम है हर कला के, भारत हमारा समृद्ध राज्य है, भारत हमारा विकास हो रहा है, इसका जो है अग्रणी व्यवस्थापक हमारे जो इस समय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो बहुत अच्छे ढंग से संचालन कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश का संचालन हमारे श्री आदित्यनारायण योगी जी बहुत अच्छे ढंग से चल रहे हैं। सारी जात बिरादरी परिपाटी परंपरागत जो यह सब क्या कहते हैं धर्म के प्रति ये सब बोल रहे हैं, सब खत्म हो जाएगा। सिंगल हर व्यक्ति जो है का नाम है जान जाएगा कि इन अन्य पार्टियों में कोई दम नहीं है, मात्र यह पार्टी रनेबुल है, रन करता रहेगा, इसलिए इसको बरी नहीं किया जा सकता। जो अभी जिस घटना आप जिक्र करें हड़िया वाली, उन आरोपियों के ऊपर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? वही जो सेम एकदम जो अनुराग के साथ हुआ है, जो आदमी अपराधी हो, अपराधी कोई जात बिरादरी या मानवता नहीं होती, अगर अपराध कारित किया है तो उसको जो है सीधे जो है का नाम है कानून की जो पंडित भावनाएँ हैं उसको बैलेंस बना के उसके अनुसार उसको मृत्युदंड ही दे देने में कोई अपराधकारी नहीं है जी। हाँ। गुरु जी, कभी कभी मैं देखता हूँ आप कोई गरीब आपके पास आता है, उसका लेटर लिखते हैं, उसका मदद करते, पैसा क्यों नहीं लेते? या तो भाई न्याय हम लोगों को जो है शिक्षा में ही मिला है, हम लोग कोई एजेंट उजेंट तो है नहीं जी, हम लोग न्याय दिलाने वाले हैं जी, हम लोगों को कोई तनख्वाह तो है नहीं हुई, हम लोगों को जो है का नाम जो मतलब काम करते हैं वह जो कोई 10, 20, 25, 50, 100, 200, 400, 500 जो देता है जी, वह जो फीस नहीं है वह हम लोगों का एक तरह से कह लीजिए कि प्रोफेशनल है जी, उठा के लिए देते हैं। अब गरीब आएगा उसको न्याय दिलाने के लिए, उसके पास नहीं पैसा रहेगा, मैं तत्पर करता रहूँगा और न्याय दिलाने के लिए पूर्ण कोशिश करूँगा, दबूंगा नहीं, चाहे जैसे उसको न्याय मिले। गुरु जी काफ़ी वर्षों से यहाँ होंगे, लगभग कितना वर्ष हो गया? लगभग 34 ईयर्स से हूँ। 34 ईयर्स बहुत अधिकारी आए गए हैं, बहुत अधिकारी आए गए, कितना तहसील पंडित हो गया, कई बार गिरा कई बार बना, कितने लोग तो हमारे समय के पीरियड के हमको लगता है कि पृथ्वी होंगे ही नहीं जी। बहुत बढ़िया अधिकारी आए, बहुत न्याय चलता था, अब लेकिन इस समय थोड़ा सा बैलेंस गड़बड़ा गया है, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा उप जिलाधिकारी श्री कुराल गौरव जी हैं जी, वह नवयुवक हैं, अच्छे हैं और उनकी पकड़ ईमानदारी में बेशुमार है हमारे समझ से, तो अभी तक जितने दिन से वो आए हैं उनके स्तर से जो भी कार्रवाई हो रही है, अन्याय तो नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ जो अन्यायी टाइप के हैं 99% 1% जो हमारा न्यायिक अधिकारी कुराल गौरव है उसको करने में तो मुझे हमद करते ही हैं जी, तब पर कलम चलती है सही, अभी वो कलम अपना सही ही चलाता है जी। क्या नाम है गुरु जी आपका? शिव दत्त पांडे, एडवोकेट, तहसील मरिया हूँ, जिला जो जी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। ये मेरे साथ यह गुरु जी मौजूद थे, लगभग 34 वर्षों से लोगों की सेवा कर रहे हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूँ हर मामले में जो सही रहता है वही कहते हैं, किसी भी जात बिरादरी का रहता है जो गलत है उसको गलत कहते हैं, जो सही रहता है उसे सही कहते हैं। इनसे मैंने पूछा कि अखिलेश यादव जब मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ था तो बड़ी जिक्र किए, इन्होंने कहा कि अखिलेश यादव एक जात बिरादरी को देख कर वो आवाज़ उठाते हैं। अब देखना है कब तक अनुराग यादव को न्याय मिलेगा, कब तक हड़िया में जो हत्या हुई है ब्राह्मण समाज को न्याय मिलेगा।
ऐसे ही आप देखते रहिए आज़ाद वीआईपी न्यूज़ को। जय हिंद।